सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, इस लाश की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है और किसी भी आदमी ने अब तक इस बॉडी के लिए हमसे क्लेम भी नहीं किया। आसपास के किसी पुलिस थाने में इस उम्र के आदमी की गुमशुदा की रिपोर्ट? नो सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? दिस इज रिपोर्ट सर। मौत कम से कम 36 घंटे पहले हुई है। मौत की वजह पानी में डूबने, सांसें रुकना और फेफड़ों में पानी भरना। लेकिन फेफड़ों से जो पानी निकला है वो समंदर का नहीं है। फेफड़ों से जो पानी निकला है वो समंदर का नहीं। इसका मतलब यह हुआ श्रीवास्तव कि इस शख्स की मौत समंदर में डूबने से नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले सर हमें यह पता लगाना है कि यह हत्या है, आत्महत्या या फिर महज एक दुर्घटना। हालात को देखते हुए ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे यह हत्या का केस ही है। चेहरा इसका जला हुआ है। हो सकता है श्रीवास्तव किसी ने इसका कत्ल किया चेहरा जलाकर, पानी में डुबाकर, उसके बाद हादसे की शक्ल देने के लिए इसे समंदर में डुबा दिया। आई एम क्वाइट श्योर दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। तो सर इस केस की छानबीन हमें कहां से शुरू करनी चाहिए? वास्तव ये जो आदमी ने ड्रेस पहन रखी थी ये आम तौर पे शादी में पहनी जाती है, लेकिन गले में जो क्रॉस था इसके मायने ये हुए कि आदमी ईसाई था, क्रिश्चियन था ये आदमी। श्रीवास्तव ये जो एनवलप मिला है गल गया है, लेकिन ऊपर ये जो शब्द पढ़ने में आते हैं विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, इसके मायने ये हुए कि इस आदमी की अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी। मतलब आपके हिसाब से कत्ल के पहले इस आदमी की शादी हो चुकी थी? और
जो उसके राइट हैंड में अंगूठी मिली, ये हीरा बहुत कॉस्टली है श्रीवास्तव। इसका मतलब ये आदमी काफी पैसे वाला था। कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनता था, जिसमें से एक कॉन्टैक्ट लेंस गायब है। इतने सारे क्लूज श्रीवास्तव काफी है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डोंट यू थिंक सो? पता लगा श्रीवास्तव की समंदर के किनारे रहने वाले पिछले 3-4 दिनों में किस क्रिश्चियन फैमिली में शादी हुई थी। ओके और एक बात याद रखना श्रीवास्तव, किसी से भी पूछताछ के वक्त ये नहीं बताना कि इस आदमी की मौत हो चुकी है। सर, चर्च से हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते 4 जोड़ों की शादियां हुई हैं और उनमें से 3 जोड़ों से और उनके फैमिली वालों से हम मिल भी चुके हैं, पर लाश की शनाख्त तो नहीं हो पाई है सर। इसका मतलब ये चौथी फैमिली हमारी आखिरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं, शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। लेट्स सी सर। अरे श्रीवास्तव, उस लड़की के फादर का क्या नाम बताया था? एमजे रॉड्रिक्स। एमजे रॉड्रिक्स। सर, कौन मांगता है? मिस्टर रॉड्रिक्स से। यस जेंटलमैन, आई एम रॉड्रिक्स। मिस्टर रॉड्रिक्स, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कम राइट इन। थैंक यू। यस इंस्पेक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? बात दरअसल ये है मिस्टर रॉड्रिक्स की। क्या बात है? ये क्या है इंस्पेक्टर? व्हाट आर यू लुकिंग एट? कॉन्टैक्ट लेंस है मिस्टर रॉड्रिक्स। ये आप यूज करते हैं क्या कॉन्टैक्ट लेंस? नो नो इंस्पेक्टर, नो, ये हमारा ओरिजिनल आंख है। ताज्जुब है। तो फिर ये कॉन्टैक्ट लेंस आपके गले तक कैसे पहुंचा? कम ऑन इंस्पेक्टर, हमारा घर बड़ा है, काफी गेस्ट लोग आता रहता है इधर। इनफैक्ट लास्ट वीक तो हमारा डॉटर जीना का वेडिंग था, बहुत मेहमान लोग आया, रिलेटिव्स आया। हो सकता है कि स्विमिंग करते वक्त किसी का लेंस गिर गया होगा। लेकिन आपको इसमें कुछ खास नजर आता है क्या? हाँ, हो सकता है मिस्टर रॉड्रिक्स, ये आपने सही कहा कि कॉन्टैक्ट लेंस वहाँ स्विमिंग पूल में गिर गया हो और वहां से आपके गले में लग गया हो। Yes. पॉसिबल। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी बेटी जीना की शादी लास्ट वीक यहाँ इसी चर्च में हुई थी एलन डिसूजा के साथ, करेक्ट? ओह यस, इंस्पेक्टर, लेकिन वंडरफुल, तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हमारा डॉटर का वेडिंग एलन डिसूजा के साथ ही हुआ है? मिस्टर रॉड्रिक्स, पुलिस से कुछ भी छुपा नहीं होता। ये बताइए कि आप इस शख्स को पहचानते हैं? कहीं देखा है आपने इसको? सॉरी इंस्पेक्टर, है कौन? कौन है ये? इसकी बॉडी मिली है यहाँ समंदर के किनारे मिस्टर रॉड्रिक्स। मरा नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं सेमी कोमा में है, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। आई डोंट थिंक मिस्टर रॉड्रिक्स की इट्स अ ड्राउनिंग केस, किसी ने
इसकी हत्या करने की कोशिश की है, बस उसी कातिल की तलाश में है। God bless him, हम प्रे करेगा कि रिकवर होके आ जाए। सर गोवा से बेबी का फोन। बेबी का फोन? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। बेबी जीना, कैसा है माय डॉटर? हाउ इज योर हनीमून गोइंग ऑन बेटा? गुड डैड, हाउ इज एवरीथिंग? गुड गुड गुड, हम ठीक है। और एलन कैसा है? या ही इज फाइन डैड। वेरी गुड। अच्छा कब तक हनीमूनिंग पर रहने का तुम्हारा ख्याल है? जब तक आप कहेंगे, यानी एक आध हफ्ता और। एक दो वीक? क्या तुम तीन चार वीक और लगाओ? हाँ, इंजॉय योर सेल्स बेटा, इंजॉय योर हनीमून, और देखो हमारा बहुत सारा प्यार एलन को देना। ऑलराइट, गॉड ब्लेस माय डॉटर जीना, गोवा में हनीमून करता है। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू इंस्पेक्टर? नो, थैंक यू मिस्टर रॉड्रिक्स, आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट सैटिस्फाइंग। यस, इफ यू डोंट माइंड, मैं ये कॉन्टैक्ट लेंस अपने साथ लेके जा सकता हूँ? हमको क्या करने का है, रखो रखो रखो। ओह थैंक यू मिस्टर रॉड्रिक्स, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। यस इंस्पेक्टर, मैंने अच्छी तरह से जांच कर लिया है, दोनों कॉन्टैक्ट लेंसेस एक ही पैर के हैं और दोनों कॉन्टैक्ट लेंसेस के साइज, नंबर, कलर और क्वालिटी एक ही है। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव, जो कॉन्टैक्ट लेंस हमें रॉड्रिक्स के स्विमिंग पूल से बरामद हुई, वो मरने वाले की दूसरी आंख की कॉन्टैक्ट लेंस थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव, जैसे रॉड्रिक्स का मरने वाले के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये देखो इंस्पेक्टर, ये अब उनका डॉटर जीना और ये हमारा सन इन लॉ एलन, एलन का फोटोग्राफ है। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर रॉड्रिक्स, मुझे इनकी तस्वीर मिल सकती है और एड्रेस गोवा का जहां पर ये ठहरे हुए हैं? बट व्हाई इंस्पेक्टर, व्हाई? हम पूछता व्हाई? देखो हम तुमको बोला कि हम इस आदमी को नहीं पहचानता, देन व्हाई डू यू, तो काहे को वास्ते हमारा सन इन लॉ और हमारा डॉटर को डिस्टर्ब करना मांगता? Mr. Rodriguez, don't you worry. This is just a routine investigation. Please cooperate with the police. Okay? ये वो आदमी सेमी कोमा में है, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, उसने एक ही शख्स का नाम लिया है, रॉड्रिक्स। What? और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि रॉड्रिक्स नाम का शख्स आप अकेले हों पूरी दुनिया में। Yes, 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 you're right. Photograph and the address, please. Why not? Sure. ये फोटो एलन डिसूजा और जीना एमजे रॉड्रिक्स का है। इनका शादी लास्ट सैटरडे को इधर हुआ था। जिस पादरी ने इनकी शादी करवाई थी वो हमें कहां मिलेंगे? सर फादर कॉन्सॉल्विस ने इनका शादी करवाया था, लेकिन वो तो अपने गांव को गया है, केरला। कब लौटेंगे? दो तीन दिन में लौट आएंगे। ये जो यहाँ पर शादियां होती हैं, इसका कोई रजिस्टर तो मेंटेन होता होगा? यस सर, ये रहा। एलन डिसूजा, जीना एम जे रॉड्रिक्स, 18th अगस्त, सैटरडे। अब ये बताइए कि ये इस शख्स को पहचानते हैं आप? नो सर। गौर से देखिए। नो सर। थैंक यू।
सर इस केस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इंस्पेक्टर भारत कहते हैं श्रीवास्तव। जब तक मैं ये कंफ्यूजन दूर न कर लूं दम नहीं लूंगा। फिलहाल आप सिर्फ मेरे गोवा जाने का बंदोबस्त करें। भारत क्राइम ब्रांच बॉम्बे। कम ऑन जीना, आखिर इस तरह कब तक उदास रहोगी? कहीं घूमने चलें? वैसे मैंने चाय मंगाई है, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है प्लीज। डैडी को मुंबई फोन लगाएं, शायद उनसे बात करके कुछ मूड हल्का हो जाए। प्लीज लीव मी अलोन। Come in. Good evening, sir. Good evening. For you, ma'am. Thank you. Wishing you very happy married life. Can I make tea for you? Yeah, sure. Okay. हम छुट्टी पे था सर, आज ही हमने ड्यूटी रिज्यूम किया। हमारा नाम पीटर डिकोस्टा। ये हनीमून कपल का कॉटेज हमारे अंडर में। अच्छा अच्छा, हम इधर ऑलवेज आपकी सेवा में हाजिर। ये इज योर टी फॉर यू सर, फॉर यू मैडम। सर विल यू प्लीज साइन द चेक। Time, please. Anything. If you need, you can call me. Thank you. Yes, sir. Thank you. फादर गंजाल्वेस वापस कब आ रहे हैं? कुछ देर पहले ही लौट चुके हैं, इस समय घर पे होंगे। थैंक यू मिस्टर जॉन। चलो चलो सर। श्रीवास्तव, चर्च के रजिस्टर में किए गए एलन डिसूजा के सिग्नेचर्स और गोवा के उस रेस्टोरेंट में किए गए एलन डिसूजा के सिग्नेचर्स दोनों इलेदा हैं श्रीवास्तव। मैं बिना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के बता सकता हूं कि ये दो अलग अलग शख्स हैं श्रीवास्तव। बट हाउ इज दिस पॉसिबल सर? जिस एलन डिसूजा से आप गोवा में मिले थे उसी की तस्वीर देखकर जॉन ने हमें बताया कि उसकी शादी जीना रॉड्रिक्स के साथ इसी चर्च में हुई थी। गलत। जिस आदमी की शादी इस चर्च में हुई थी जिस एलन डिसूजा की, वो एलन डिसूजा अलग आदमी है और जो हमें गोवा में मिला था वो अलग आदमी है। दीज आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटी। यू मीन एलन डिसूजा और जीना रॉड्रिक्स? सर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा श्रीवास्तव। धर्म स्थान पे बैठने वाले पंडित हों, मौलवी हों या चर्च के पादरी हों, कभी झूठ नहीं बोलते।
Yes, gentlemen. What can I do for you? I'm sorry, Father Gonzalez. आप इतने लंबे सफर से आए हैं और मैं आपको डिस्टर्ब करने चला आया. No problem. How can I help you? Father Gonzalez, आप इस शख्स को पहचानते हैं? What is his name? Yes, he is Alan D'Souza. Are you sure? Yes. All right. अब आप कि ये दोनों जो तस्वीर में हैं, what is their name? She is Gina. यानी रॉड्रिक्स की बेटी. Yes. And he is Alan D'Souza. यानी ये भी एलन डिसूजा है और ये भी एलन डिसूजा है. Yes. All right. अच्छा ये बताइए फादर गंजाल्वेस की इन दोनों की शादी आपने करवाई थी? Yes. कब? कैसे बच गया? नो नो, इधर चर्च में तुम कैसे आया? ओ, इंस्पेक्टर हमको बोला होता कि तुम सेमी कोमा में हो. एलन, तुमने पुलिस वालों को कुछ बताया तो नहीं? इंस्पेक्टर को नहीं बताया ना? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी. एक्चुअली तुम जानता कि इसमें सब तुम्हारा मिस्टेक होता ना. देखो, हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि अब तुम हमारी डॉटर की लाइफ में वापस आने का कोशिश नहीं करने का. देखो, हम तुमको 2-3 लाख रुपया दे देंगे. अगर चाहिए तुम दूसरी सिटी में जाके रह लो. एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमारा और हमारी डॉटर की लाइफ में नहीं आएगा. ओके? मिस्टर रॉड्रिक्स, एलन मर चुका है. आप मुझे एलन समझने की भूल कर बैठे हैं. मैंने आपसे झूठ कहा था मिस्टर रॉड्रिक्स कि एलन सेमी कोमा में है. लेकिन आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर रॉड्रिक्स?
नथिंग नथिंग कुछ नहीं इंस्पेक्टर। मिस्टर रॉड्रिक्स, तुम यहां भगवान के घर में खड़े हो, गॉड्स हाउस। यहां लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने आते हैं मिस्टर रॉड्रिक्स, कन्फेस करने आते हैं। कम ऑन मिस्टर रॉड्रिक्स, आप भी कन्फेस कर लीजिए, अभी भी वक्त है मिस्टर रॉड्रिक्स। मेरे पास आपके खिलाफ सब सबूत मौजूद, आप यहां से बाहर जाएंगे अरेस्ट हो जाएंगे। अपना जुर्म कबूल कर लीजिए मिस्टर रॉड्रिक्स, फिर दोबारा वापस आके माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जिस एलन डिसूजा का कत्ल हुआ मिस्टर रॉड्रिक्स, पिछले शनिवार को इसी चर्च में आपकी बेटी जीना की शादी उसके साथ हुई। एलन डिसूजा का कत्ल तुमने किया है ना मिस्टर रॉड्रिक्स? क्यों? Helen was orphan, अनाथ था वो, उसका आगे पीछू कोई नहीं था, फिर भी हम अपना डॉटर का शादी उसके साथ मनाने को रेडी हो गया। Because my sweet daughter loved him, उसको बहुत प्यार करता था वो। और चीप किस्म का आदमी था, उस दिन वेडिंग का पार्टी के बाद वो हमारे बंगले में हमारा बेटी के साथ था। जानती हूँ क्या हुआ? जीना, जीना, वेयर आर यू डार्लिंग? कम इमीडिएटली। यस एलन। Today I'm very happy, very happy, darling. तुमको मालूम, इस शहर में अपन के पास एक सर छुपाने का झोपड़ा भी नहीं था। अपन को तुम मिला, लाइफ बन गया, अब तो अपन की शादी भी हो गई। उस बुढ़े से जाकर बोलो, मतलब कि अपने बाप से जाकर बोलो कि अपन को कल का कल ये बंगला मेरे को मेरे नाम होना मांगता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हें आज ज्यादा चढ़ गई है। डार्लिंग, मैं पिया नहीं हूं, मैं पूरे होश में हूं, और अगर ज्यादा नाटक करोगी ना तो चढ़ जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं ना, और मैं तुमसे शादी इसी वास्ते किया था कि तुम्हारे बाप के पास करोड़ की प्रॉपर्टी जो है। देखो, ऐसा मत करो प्लीज। बाप से जाके बोलो जो मैंने कहा, बोलो उससे कि कल का कल ये बंगला मेरे को मेरे नाम होना मांगता।
है यू स्काउंड्रल? शादी का पहले दे ही तुम हमारा बेटी के ऊपर हाथ उठाया? हाउ डेयर यू? एक्सक्यूज मी ओल्ड मैन, वो आपकी बेटी नहीं, मेरी बीबी है। चाहे तो मैं उस पर हाथ उठाऊं या फिर आप पर भी हाथ उठाऊं। नहीं आता था, चुप के मर गया। अपना और अपना बेटी का लाइफ सेव करने के लिए हमारे ब्रेन में एक आइडिया आया। हमारा एक यंग मैनेजर होता, हमने उसको अपने पास बुलाया और उसको अपना बेटी का साथ गोवा जाने को बोला। उसको बोला कि तुम हमारी बेटी चीना के साथ शादी बनाओ। उसको एग्री कराया। मैनेजर का नाम होता मनोज कालरा, और हम उसका नाम चेंज करके एलन डिसूसा कर दिया। फिर ओरिजिनल एलन डिसूसा का डेड बॉडी को हमने समुंदर में फेंक दिया, जिसमें हेल्प किया हमारा सर्वेंट मैक ने हमको। उसके बाद हमारे पास तुम लोग इंक्वायरी करने को आया। तुमको वहां पर एलन का एक कॉन्टैक्ट लेंस मिला। और साथ में तुम लोगों ने हमारा बेटी और मैनेजर का फोटो लिया, तो हम समझ गया कि अब तुम लोग चर्च जरूर जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। हम फौरन चर्च गया और चर्च में जाके चर्च का क्लर्क जॉन को पैसे का लालच देकर बोला कि वो मैनेजर का फोटो देख के बोले कि वो एलन का ही फोटो है जिसके साथ हमारा बेटी का शादी हुआ है, और असली एलन डिसूसा को पहचानने से
मना करते। और आप अपनी चाल में इसलिए कामयाब हो गए मिस्टर रॉड्रिक्स क्योंकि फादर गंजाल्विस इस शहर में मौजूद नहीं थे। जब फादर गंजाल्विस वापस आए तो उनसे पूछने पे पता चला कि आपने अपनी बेटी की शादी अपने मैनेजर के साथ आज ही गोवा में किसी चर्च में कर ली। और आप फादर गंजाल्विस को अपने साथ इसलिए लेके गए थे क्योंकि फादर गंजाल्विस को जब हम पूछें तो उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़े। और नकली और असली एलन डिसूजा के हस्ताक्षरों ने ये सारा का सारा भेद मेरे सामने यूं साफ कर दिया। चीना बेबी। हेलो हेलो डैड। डैडी आप रो क्यों रहे? सब कुछ बता दिया पुलिस को। बेबी हमको पुलिस अरेस्ट करता है अभी। डैडी ये आपने क्या किया? ठीक बोलता बेटा। I want to see my baby happy. Daddy, हम पहली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। And Daddy, I love you, Daddy. I know, beta, I love you. Daddy loves you, beta. Daddy loves you. Daddy loves you. मिस्टर रॉड्रिक्स, ये जो कुछ भी आपने किया अपनी बेटी के प्यार अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए किया, लेकिन कानून आपको कतई इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपना बदला खुद लें, कानून अपने हाथ में लें। मैं आपको आइलैंड डिसूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।